नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 में अब लोगों को बारिश व धूप के दौरान परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस वार्ड के मध्य राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या डीएवी ब्रांच स्कूल हमीरपुर तथा आयुर्वेदिक अस्पताल के समीप अब वर्षा सालिका की सुविधा उन्हें मिलेगी। इससे एक तरफ छोटे बच्चों के अभिभावकों, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और मरीजों तथा तामीरदारों को ये सुविधा उपलब्ध होगी। लंबे समय से यहाँ पर स्थानीय लोगों और सीनियर सिटीजन इसके निर्माण की मांग उठा रहे थे, जिसके चलते नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से इसका बजट का प्रावधान किया गया। लगभग 6.5 लाख की लागत से वर्षाशालिका का निर्माण किया गया है। वर्षाशालिका का बुधवार को विधायक नरेंद्र ठाकुर ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास, उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज सहित नगर परिषद के भाजपा समर्थित पार्षद मौजूद रहे। तो वहीं वार्ड नंबर 5 के पार्षद सहित कांग्रेस समर्थित पार्षदों ने लोकार्पण कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति दर्ज करवाई। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि यहां पर वर्षाचालिका के निर्माण से लोगों को फायदा पहुंचेगा। विधायक ने कहा कि ये एक कॉमन प्लेस है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के अभिभावक, विद्यार्थियों तथा मरीजों के तामीरदारों और सीनियर सिटीजन को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने नगर परिषद के पदाधिकारियों का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। उनका कहना है कि लगातार नगर परिषद हमीरपुर की तरफ से विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में बजट का प्रावधान किया गया था। सभी कमेटी के पार्षद इंक्लूडिंग प्रधान, वाइस प्रधान, सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये वार्ड नंबर 5 में लगभग 675,000-72,000 रुपये की लागत से ये रेन सेंटर बना। मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और ये रेन सेंटर ऐसी जगह पे बना जहाँ एक तरफ गर्ल्स सीनियर स्कूल है, एक तरफ डीएवी का प्राइमरी विंग यहाँ बैठता है, और साथ में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की यहाँ पे बिल्डिंग है। और ये ऐसी कॉमन जगह है जहाँ लोगों को गर्मी में या बरसात में बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। बहुत बढ़िया रेन सेल्टर बना ये, और आने वाले समय में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर स्कूल में या आते थे या कोई पेशेंट यहाँ पर आते थे, उनको बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी है। बहुत बढ़िया तरीके से ये रेन सेल्टर बना है, जैसे दिखने से लग रहा है। तो इसके लिए सभी कमेटी के सदस्यों का, वार्ड नंबर 5 और एडजॉइनिंग जो भी वार्ड लगते हैं, सभी लोगों का मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और इस शुभ अवसर पर सभी वार्ड पार्षद और शहर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर उपस्थित थे, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा।